प्रदेश मेरा गांव, आपका मुद्दा, आपकी विधानसभा, आपके विधायक, आपके नेता, आपके मंत्री, इस मंच के जरिए हम उठाते हैं आपकी आवाज। आज बात मुद्दे की होगी और मुद्दे की बात में विधानसभा होगी चौबट्टा खाल। चौबट्टा खाल, वैसे अगर हम जिक्र करें मेरा देश मेरा गांव का, तो हम एक मुहिम के तहत इस कार्यक्रम को आम जनता के लिए चलाते हैं। नेता प्रवक्ताओं के शोर को तो आप रोज सुनते हैं, लेकिन उनकी आवाज कौन सुने जो गांव में रहते हैं। हमारा देश का दिल तो असली गांव में ही धड़कता है। ऐसे में उत्तराखंड के उन गांव तक हम पहुंच रहे हैं जहां कोई नहीं पहुंचता। अगर बात विधायकों की करें तो पहाड़ को छोड़कर पलायन की तरफ कूच करते हैं, तो फिर उस पहाड़ की पीड़ा को कौन समझे, उस दर्द को कौन कम करे, जिस दर्द को हरने का दावा सूबे की सबसे बड़ी पंचायत विधानसभा में किया जाता है। हम उन्हीं नेताओं को, जनप्रतिनिधियों को और खास तौर पर सामाजिक कार्यकर्ताओं को इस कार्यक्रम का हिस्सा बनाते हैं जो खुद उस गांव के होते हैं, ताकि गांव की आवाम की पीड़ा को वो हुक्मरान सुन पाए जिनके कान बंद हैं, जो पहाड़ की पीड़ा को हरने का दावा तो करते हैं लेकिन पहाड़ की पीड़ा है क्या उसको जानकर भी अनजान बन जाते हैं। उसी पहाड़ की पीड़ा को हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, और ऐसी ही पहाड़ की पीड़ा आज हम सुनेंगे चौबट्टा खाल की। चौबट्टा खाल ये वो विधानसभा सीट है जो अपने आप में वीआईपी है। सतपाल महाराज यहां से विधायक हैं, मंत्री हैं, मुख्यमंत्री पद के चेहरे भी हैं। हर बार दावेदारों में उनका नाम, उनका जिक्र और फिक्र अक्सर आ ही जाती है। उत्तराखंड की सियासत के बड़े सियासतदानों में से एक है महाराज, लेकिन उनकी विधानसभा सीट का क्या है हाल, आज जानेंगे मेरा देश मेरे गांव में हकीकत क्या है चौबट्टा खाल की। क्या वाकई वहां की आवाम की पीड़ा समझ पा रहे हैं महाराज? आज वो सवाल होंगे जिसका जवाब खुद गांव की आवाम देगी। और आपको बता दें, आज हमारे साथ जो इस कार्यक्रम का हिस्सा बन रहे हैं, शैलेंद्र भारतीय, शैलेंद्र भारतीय सामाजिक कार्यकर्ता है और गांव है इनका भरोली। शैलेंद्र, बहुत बहुत स्वागत है आपका, भरोली गांव से हमारे साथ जुड़ चुके हैं शैलेंद्र। और साथ साथ हमारे साथ अजय सिंह जुड़ चुके हैं, अजय सिंह भी पौड़ी गढ़वाल से हैं, चौबट्टा खाल से हैं। अजय जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। शैलेंद्र जी, मैं इस कार्यक्रम की शुरुआत आपसे करना चाहूंगा। चौबट्टा खाल, आप जरा बताइए चौबट्टा खाल का हाल क्या है? जी, सभी दर्शकों का नमस्कार। सबसे पहले मैं हमारे देश और हमारे राज्य को जो क्षति पहुंची है हमारे जनरल बिपिन रावत जी, उनको मैं श्रद्धांजलि देता हूं। और ये हमारे लिए बहुत ही दुख का विषय है। शैलेंद्र जी, आपका फोन म्यूट है, प्लीज उसको म्यूट से हटा दीजिए प्लीज, ताकि हम आपकी आवाज सुन पाए। शैलेंद्र जी, जी आप बोलिए। शैलेंद्र, क्या कहना चाहते हैं आप, बोलिए आप। क्या जी, बिल्कुल आ रही है, बोलिए आप, क्या हाल है चौबट्टा खाल का? हेलो, शैलेंद्र जी अपनी बात रखिए। ओके शैलेंद्र, मैं आपके पास दोबारा जुड़ने की कोशिश करता हूं। अजय, मेरी आवाज आपको आ रही है? जी जी सर। अजय सिंह, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? अजय सिंह, जरा आप बताइए चौबट्टा खाल का हाल क्या है? सर, चौबट्टा खाल का हाल तो बेहाल है इस टाइम। हेलो, बेहाल है जी, हाल बेहाल है सर। जी सर, मैं क्यों बेहाल है हाल? अजय जी बताइए। जी, मैं अपने गांव की बात करूं तो सर, यहाँ पे 1.5 किलोमीटर अभी तक हमारी यहाँ रोड तक संचक नहीं हो पाई, अभी तक मतलब
छोटे छोटे मार्गों पर रोड नहीं पहुंच पाई, और जहां तक विकास की बात करें यहां पे नौखाल की बात करूं मैं तो यहां पे स्वास्थ्य केंद्र भी बिल्कुल बेकार 0%। सीधे ही कोटद्वार श्रीनगर गाँव का नाम बताइए जी। स्वास्थ्य केंद्र नौखाल। और आप किस गांव का जिक्र कर रहे हैं जरा ये भी बताइए दर्शकों को। सर मैं नौगांव ग्राम सभा से मावड़ा गांव की बात कर रहा हूं। नौगांव में जी ग्राम सभा नौगांव के मावड़ा गांव में जी जी जी। यहाँ पे अभी तक सड़क नहीं पहुंच पाई और स्वास्थ्य की बात करूं तो मैं जी हेलो बताइए जी जी ये बोला जी, था सर बात रखिए अपनी यहाँ पे आप आवाज पहुंच रही है हमारे तक जी। स्वास्थ्य तक भी मतलब यहाँ पे स्वास्थ्य की काफी प्रॉब्लम, सड़कों की काफी प्रॉब्लम, और जहाँ तक मैं बात करूँ एक उस जनप्रतिनिधि की, जैसे मान के चलो अगर कांग्रेस का जनप्रतिनिधि होगा और माननीय विधायक हमारे सतपाल महाराज जी, तो क्या मैं आपसे एक क्वेश्चन जानना चाहता हूँ सर। माननीय विधायक साहब केवल भारतीय जनता पार्टी के बीजेपी के ही विधायक है, आम जनता के नहीं, कांग्रेस प्रतिनिधियों के नहीं। यहाँ पे सर इसलिए काम ऐसा हो रहा है कि अपने अपने कार्यकर्ताओं को काम मिलता है और काम 0%, विकास 0%। हेलो विकास 0%, काम 0%। आपने कहा रोड तक नहीं है, कोटद्वार जाना पड़ता है। बिल्कुल अजय आपकी आवाज पहुंच रही है हमारे तक, लेकिन शैलेंद्र भारतीय जी अब मैं आपके पास आना चाहूंगा। आप बताइए, आप तो गांव भरोली से हैं अगर मैं सही हूं, तो वहां का हाल क्या है चौबट्टा खाल का? जी जी सभी दर्शकों मेरा प्रणाम, आवाज आ रही मेरी अभी? जी बिल्कुल आ रही है शैलेंद्र जी, अपनी बात रखिए। जी 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 तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जो हमारी चौबट्टा खाल विधानसभा है, इस विधानसभा से जो विधायक हैं वो मंत्री बनते हैं, वो मुख्यमंत्री बनते हैं, लेकिन हमारे राज्य में जो विधानसभा का जो हाल है, जो व्यवस्थाएं हैं, सरकारी व्यवस्थाएं हैं, जो प्लान है, वो हर दिन जो है समाप्ति की ओर बढ़ रहा है। हमारे ब्लॉक में एक ब्लॉक में, मैं बिरुखाल ब्लॉक से हूं, और जहां तक मेरा अंदाजा है कि लगभग एक वर्ष में सरकार जो है इस ब्लॉक के डेवलपमेंट के लिए कम से कम 200 करोड़ रुपए खर्च करती है। 18 से 19 विभाग हमारे ब्लॉक में है, लेकिन सरकार क्या अधिकारियों को ट्रैक करती है, क्या उनका अटेंडेंस किस तरह से ले रही है? जो है ऑन सिग्नेचर अटेंडेंस अभी तक चल रहे हैं, आदमी चला जाता है छुट्टी 15 दिन बाद आता है अटेंडेंस लगा देता है, अगर कोई अधिकारी चेक करने आएगा तो लीव एप्लीकेशन लगा दे देंगे, नहीं तो वो भी क्या, सीसीटीवी कैमरे नहीं है विभागों में। तो जो क्षेत्र का विकास है वो कहीं ना कहीं सरकारी विभाग और सरकारी कर्मचारियों के माध्यम से संभव है, लेकिन जब सरकारी कर्मचारी जब काम ही नहीं करेंगे, विभागों में बैठेंगे ही नहीं, तो व्यवस्थाएं पूरी खत्म होती जाएंगी। हमने खुद काफी बार सरकारी विभागों में जाके जो है इन चीजों को देखा है, और शिकायत पत्र के माध्यम से शासन प्रशासन को जो है इससे अवगत कराया है। हाँ, कोरोना काल में डॉक्टर वहां तक उपस्थित नहीं थे, बड़े जो है शर्म की बात है कि हमारे ब्लॉक प्रमुख जो है राजेश खंडारी, उन्होंने जब इसकी शिकायत करी उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद सतपाल महाराज जी का एक जो है वीडियो वो वायरल हुआ था जहां पे वो डॉक्टरों को डांट रहे थे, लेकिन समस्या ये है कि ये तो वर्षों से ऐसा चल रहा है क्षेत्र में, लापरवाही जो है वो की वजह से व्यवस्थाएं खत्म हो रही हैं। अगर आप पिछले 20 वर्षों में आप देखेंगे कि जो सरकार ने जो बजट हमारे क्षेत्र के विकास के लिए खर्च किया है उसका 1% भी विकास क्षेत्र में देखने को नहीं मिलता है। दिन ब दिन प्लान खत्म होता जा रहा है, प्लान जो है बढ़ रहा है, क्षेत्र में लोग क्षेत्र छोड़ के जा रहे हैं, अस्पतालों की हालत बहुत खराब है। मुझे जहां तक लगता है कि क्षेत्रीय जनता को अस्पतालों का कितना खर्चा है, सरकार कितना खर्चा उठा रही है हर साल, इसका डिटेल निकालना चाहिए कि कितने करोड़ की दवाइयां हर साल
सरकारी अस्पताल में आ रही हैं और कितना पैसा मैं समझ रहा हूँ, क्योंकि सतपाल महाराज का विधानसभा क्षेत्र और होगी वीआईपी से और ऐसी सीट पर विकास न होना अपने आप में सवाल खड़े कर चुके हैं। एक बात शैलेंद्र, हेलो शैलेंद्र जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आपकी विधानसभा सीट के भीतर कौन सी सबसे ज्यादा पीड़ा है। मतलब मैं पहाड़ की पीड़ा को तो समझ रहा हूँ, इस पीड़ा को मैं समझ रहा हूँ जिसका जिक्र आप कर रहे हैं, स्वास्थ्य के नाम पर शून्य है वहां पर, लेकिन जो सबसे बड़ी दिक्कत है वो क्या है शैलेंद्र जी? फिर आता हूँ मैं अजय जी आपके पास। बोलिए शैलेंद्र जी। विधानसभा पूरी समस्याओं से जो है भरी हुई है, आप किसी भी चीज को उठा के आप देख लो, सारी व्यवस्थाएं चौपट है, लेकिन जिस तरह से समय चल रहा है और हम 2021 में हैं, तो समय के हिसाब से आज जो सबसे पहली मांग होनी चाहिए वो पहली मांग रोजगार की होनी चाहिए। 2021 में आकर भी अगर क्षेत्र में युवाओं को रोजगार नहीं मिल पा रहा है तो निश्चित है कि पलायन होगा, क्षेत्र पूरी तरह से खाली होगा। आप कितनी भी रोडें बनवा लो, कुछ भी कर लो, लेकिन अगर जब युवा क्षेत्र में नहीं रहेगा तो जनता जब क्षेत्र में नहीं रहेगी तो आप जो है विकास किस तरह से कर पाओगे? और क्षेत्र का विकास करना है तो आज के युवाओं को क्षेत्र में किसी भी तरह से आपको रोकना होगा। और मुझे लगता है कि इस तरफ सरकार, विधायक, कोई भी जनप्रतिनिधि जो है इस दिशा में कार्य नहीं कर रहे हैं। और सबसे बड़ी समस्या ये है कि जो क्षेत्र में जो जनप्रतिनिधि हैं, विधायक हैं या सांसद हैं, वो 5 वर्षों में आते ही नहीं है, जनता से संपर्क नहीं होता है। मैंने जहां तक नोटिस किया कि हमारे जो जनप्रतिनिधि है उन्होंने कभी जनता के साथ संवाद नहीं किया, कभी जनता दरबार नहीं लगाया, कभी उन्होंने सरकारी विभागों के साथ में बैठकें नहीं करी, कभी उन्होंने ये जानने की कोशिश ही नहीं करी कि क्षेत्र में समस्याएं क्या क्या चल रही हैं। सिर्फ और सिर्फ राजनीति होती है और 5 साल बाद वापस चुनाव आते हैं और बीजेपी कांग्रेस अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से जोर शोर से चुनाव का जो है प्रचार प्रसार करती है और वापस जीत के फिर जो है वापस ये सब 5 साल के लिए शैलेंद्र जी। लेकिन अजय जी मैं आपसे जानना चाहूंगा, जो शैलेंद्र जी कह रहे हैं कि भैया जनता दरबार तक नहीं लगता हमारी विधानसभा में, अब विधायक जी को मुख्यमंत्री बनना है, मंत्री बनना है, लेकिन पहाड़ की पीड़ा को लेकर कोई समझने के लिए तैयार नहीं है। अगर मैं स्वास्थ्य के नजरिए से आप लोगों से जानना चाहूं तो अजय जी मुझे बताइए कि स्वास्थ्य के नजरिए में क्या किया महाराज जी ने? स्वास्थ्य मैं शैलेंद्र भाई की बात से सहमत हूं, क्योंकि जो शैलेंद्र भाई ने कहा वो बिल्कुल सही कहा। जब आज 22 में चुनाव है तो मतलब ये 6 महीनों में सक्रिय हो रहे हैं, 4.5 साल जनता परेशान, स्वास्थ्य के नाम पे जीरो, विकास के नाम पे जीरो, जो अपने कार्यकर्ता है जिन्होंने उनको सपोर्ट कर दिया, फंडिंग कर दी, उनको उनको काम मिलता है, वो विकास कर रहे हैं, अपना कर रहे हैं, लेकिन ना कि जनता का। मैं शैलेंद्र भाई का धन्यवाद करना चाहूंगा, शैलेंद्र भाई बिल्कुल सही बात करें, इनका यही चल रहा है हमारे विधानसभा में, ना यहाँ पे स्वास्थ्य सही स्तर पर उपलब्ध है, ना शिक्षा। शिक्षा की बात करो, आज महाराज जी हमारे 8वीं यहाँ पे धरासु, यहाँ पे राजकीय मतलब प्राथमिक विद्यालय धरासु है, तो यहाँ पे 1 से लेकर 8वीं बच्चे तक पुस्तक बांट रहे, वो भी अब जब 22 में चुनाव है, 4.5 से 4.5 साल पहले बच्चों ने नहीं पढ़ा होगा क्वेश्चन। मेरा ये कहना है कि यहाँ पे बिल्कुल जीरो है, ना विकास, यानी वहाँ पर शिक्षा के नजरिए से कुछ काम नहीं हुआ। जी शैलेंद्र जी, शिक्षा के स्तर पर क्या हाल है वहां पर चौबट्टा खाल में? शिक्षा का स्तर इस तरह से है कि काफी प्राइमरी स्तर के स्कूल हो चुकी हैं और जो प्राइमरी स्कूल चल रही है वहां पे भी 2 स्टूडेंट के ऊपर 4 स्टूडेंट के ऊपर जो है 3-3, 4-4 टीचर हैं। आप ये मान के चलो कि 4 बच्चों को पढ़ाने का खर्चा सरकार 5-6 लाख रुपए पर मंथ जो है कर रही है। अगर ये इतना पैसा अगर बच्चों क्षेत्र के बच्चों पे और भी बच्चों पे खर्च किया जाता तो उनको किसी अच्छे से स्कूल में जो है शिक्षा प्राप्त हो पाती। तो शिक्षा स्वास्थ्य बहुत बुरी हालत है। मैं तो यहाँ तक कहूंगा कि विभागों में भी जाके अगर कभी जो हमारे डीएम साहब हैं कभी अचानक से वो विभागों में अगर धावा बोले तो उनको विभागों में दिखेगा कि अधिकारी 12 बजे के बाद बैठते नहीं है। कई बार तो अधिकारी पता लगता है कि अपनी अटेंडेंस लगा रखी है और अधिकारी शादी अटेंड करने देहरादून चले गए, रामनगर चले गए, दिल्ली चले गए। इस तरह के हालात है। डॉक्टर कोरोना काल में मैं आपको कह रहा हूँ, तो डॉक्टर तक नहीं थे हमारी, तो कितनी शिकायतों के बाद जो है इसके संज्ञान नहीं लिया गया। हमारे ब्लॉक के जो प्रमुख है श्री राजेश कंडारी, उन्होंने खुद जो है हमारे जो विधायक है, मंत्री जी है माननीय सतपाल महाराज जी, उनसे
खुद वीडियो कॉन्फ्रेंस में ये शिकायत करी थी कि जो वहाँ पे डॉक्टर है मोनिका जी वो खुद वहाँ पे उपस्थित नहीं है। जब उनसे हमने फोन करके पूछा तो उन्होंने कहा कि मेरे को कोरोना के सिम्टम्स हैं, ये है वगैरह वगैरह। सबसे बड़ी समस्या है कि क्षेत्र से शिकायतें नहीं होती हैं और वो जनता शिकायत करे कैसे जिस जनता को जो महीने का 1,000 रुपए 2,000 रुपए नहीं कमा पाएगी, और क्षेत्र से जनता शिकायत करने अपना दिन खर्चा करेगी, अपना 400-500 रुपए का भाड़ा खर्चा करेगी, फिर उस शिकायत पे क्या संज्ञान लिया जाएगा, क्या प्रतिक्रिया आएगी, सालों लग जाएंगे। तो जनता तो इसमें असमर्थ है इस तरह से कार्रवाई करवाने में, अपने अधिकारों को लड़ने के लिए। मतलब शिक्षा के क्षेत्र में महाराज जी ने कुछ नहीं किया जितना मैं समझ पाया आपकी बात। जब तक शिकायतें होंगी नहीं, जब तक आंदोलन कुछ नहीं कर पाए महाराज जी, बदलाव होगा नहीं। सड़कों का जाल और सड़कों के परिपेक्ष में कुछ नहीं कर पाए महाराज जी। महाराज जी ने कुछ किया नहीं तो सवाल यही कि आखिरकार जनता फिर उनको विधायक के रूप में चुनती क्यों है, एक उम्मीद के साथ चुनती है, और उनको क्योंकि मंत्री नहीं मुख्यमंत्री भी बनना है। तो ऐसे में चौबट्टा खाल का जब विकास वो नहीं कर पाएंगे तो फिर राज्य का विकास वो कैसे करेंगे, ये भी अपने आप में एक सवाल है। लेकिन अजय जी मुझे एक बात बताइए, क्या विधायक जी अपने क्षेत्र में आते हैं कि नहीं आते? मतलब विधायक जी मंत्री जी जो मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, जिनका सपना है कि एक दिन इस राज्य की कमान मेरे हाथ में हो, वो अपने क्षेत्र में आते हैं या फिर नहीं? सर 2 साल में आ गए 4 साल में आ गए तो ऐसे में बीच में ही नहीं है हमारा विधायक, तो जब आम जनता की बात ही नहीं सुनेगा तो किस प्रकार विकास होगा सर, आप ही सोचिए। मैं आपको सर छोटी सी बात बताता हूँ, अभी जो नंदा गोरा योजना का 2017 वाला मैटर चला था तो इसमें 3,000 रुपए मंथली वाला आय प्रमाण पत्र मांग रहे, जो इनकम सर्टिफिकेट मांग रहे हो, तो अगर मनरेखा की दिहाड़ी के हिसाब से भी मैं आपको बताऊं तो 202 रुपए आजकल की डेट में मनरेखा की दिहाड़ी चल रही है एक दिन की। अगर हम महीने में 30 दिन काम करते हैं तो 6,000 से ऊपर ये एक आदमी की इनकम चली जाती है, तो कोई भी पटवारी कैसे बना सकता है, कोई भी तहसीलदार कैसे बना सकता है 3,000 रुपए का मंथली आय प्रमाण पत्र? तो ये तो जनता को, ये तो सिर्फ जनता को बेवकूफ बनाने वाली बात है सर, आप ही सोचिए। अगर 202 रुपए महीने के 3,000 रुपए की इनकम नहीं होती मनरेगा से, मनरेगा भी 100 दिन की दिहाड़ी दे रहा, और कई गाँव ऐसे है जहाँ पे 100 दिन दिहाड़ी होती ही नहीं है जी। ये तो फिर भी बेकारी जनता अपनी किराया भाड़ा खर्चा करके ब्लॉक जा रही है, अपने पैसे बर्बाद कर रही है, 3,000 रुपए का आय प्रमाण पत्र कोई उनको देने को तैयार नहीं है 2017 का। तो ये तो जनता को भ्रमित किया गया एक तरह से, पूरी तरीके से मेरा ये मानना है। मेरा भी बिल्कुल अजय जी, हम क्या कर रहे हैं शैलेंद्र जी, हम जो है आप लोगों की पीड़ा और आप लोगों के दर्द को समझ नहीं रहे, बल्कि कोशिश करते हैं इस मंच के जरिए आपके जनप्रतिनिधियों तक आप लोगों की आवाज पहुंचाई जाए। राष्ट्रहित के नाम पर वो जिन्ना की बात, कंगना की बात तो सब कोई करता है ना सर। हमारी कोशिश ये है कि हम आप लोगों की, जो आप लोग असली गांव की धड़कन है, आप गांव को समझते हैं, गांव की पीड़ा को समझते हैं, हमारी कोशिश ये है कि हम लोग सेतु का काम करें। और लगातार हम पिछले कई दिनों से ये मुहिम चला रहे हैं और हम गांव तक पहुंच रहे हैं। एक गांव की समझ हमारे जनप्रतिनिधियों को कितनी है, अपने क्षेत्र की पीड़ा उनको कितनी है, हम सेतु के जरिए इस मंच को एक माध्यम बनाते हैं आप लोगों की बात को पहुंचाने के लिए। आप लोगों ने चौबट्टा खाल में जिस विकास का जिक्र किया वो वाकई सवाल खड़े करता है, क्योंकि महाराज जी अगर विधानसभा में काम नहीं कर पाए तो सवाल है, क्योंकि वो VIP सीट है और ऐसे स्थिति में वो जो मंत्रालय उनके पास है उसका कितना विकास हुआ होगा, ये भी एक सवाल है। तो शैलेंद्र जी थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। अजय जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, कोशिश करेंगे एक बार फिर से आप लोगों के गांव की पीड़ा जो है हम आपके जनप्रतिनिधियों तक पहुंचाएं। बहुत बहुत शुक्रिया, अगली बार होगा एक नए गांव का सफर, एक नए गांव में पहुंचेंगे हम और बात करेंगे पहाड़ की पीड़ा की। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, कल होंगे फिर हाजिर, आप देखिएगा मेरा देश मेरा गांव। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।